नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र वर्मा अमन गैनो हेल्थ केयर से, और हमारे साथ अभी संतोष सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि डीएक्सएन में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और अभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये आपको कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। हाँ जी सर। दोस्तों, मैं प्रोडक्ट का एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को। जी, एक पर्सन है जो मुझसे प्रोडक्ट लेता है पिछले मार्च महीने में, तो उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई कि मेरे बाल झड़ गए हैं यहाँ पर, और किनारे किनारे बाल हैं और बीच में उसके बाल झड़ गए हैं, और बाकी बचे बाल भी टूट रहे हैं, और डैंड्रफ की भी साथ साथ वो उसके प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया ये नीली हेयर ऑयल और जी और ये गनोजी शैम्पू साबुन शॉप गनोजी शॉप और गनोजी पेस्ट और देसी गैनोट्री एंड ये स्पायरोली। ये प्रोडक्ट मैंने उनको रेगुलर पिछले मार्च महीने से इस्तेमाल करवा रहा हूँ। अभी पीछे 10 से 15 दिन में अभी उनके बाल उग गए हैं। अच्छा, बाल किस तरीके से उग गए हैं कि अभी वो जो बाल हैं काले कलर के निकले हैं, लेकिन अभी वो बारीक हैं एक तरीके से, नया उनका एकदम से न्यू निकले हैं, तो बारीक है। जैसे छोटे बच्चे का जब बाल निकलता है तो पहले बारीक होता है, फिर धीरे धीरे जब उसकी माँ तेल लगाती रहती है तो धीरे धीरे उसके बाल मोटे हो जाते हैं, एक तरीके से नया जन्म बालों का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, बार बार अपने बाल, मैंने उसे सजेस्ट किया कि आप जो है अपने बाल को छोटा छोटा रखिए, और आप ये नीली हेयर ऑयल, ये नीली हेयर ऑयल है, इसको मैंने उसे बताया कि आपको जब छोटे छोटे बाल करवा लें और फिर उसको शैम्पू लगा करके अपने सिर को धोएं और इसकी मालिश करें। मालिश कैसे करना है, तेल आपको लेना है और इस तरीके से कम आधे घंटे आपको मालिश करना है उसकी जड़ों तक, वो जी जो तेल है कि जो तेल जब तक आपकी सूख ना जाए उसकी जड़ों तक पहुंच जाए, और जब तेल सूख जाए तभी आपको उसे बंद करना है। ये शाम और सुबह दोनों टाइम करना है, मैंने उसे ऐसे सजेस्ट किया, और आज उसका रिजल्ट ये है कि उसके बाल उग गए हैं। और उसके इस रिजल्ट को देख करके बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं कि नहीं जी, हमने तो बहुत सारी दवाइयाँ की, हमने बहुत सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया अदर अदर कंपनियों का, अंग्रेजी दवाई, लेकिन उससे किसी से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। जी, जैसा कि उन्हें एक नीली तेल यूज करने से ही मिला। जी जी, तो मैं यही सब जो लोग हैं जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप इन प्रोडक्टों पर भरोसा रखिए। ये हमारी कोई दवा नहीं है। यदि कोई कह रहा है कि जी दवा है तो दवा नहीं है, ये पोषक तत्व है, जिन तत्वों की कमी से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ये उनको कंप्लीट करते हैं, ये जा करके उन्हीं तत्व को पूरा कर देते हैं। मैं बार बार इन लोगों से कहना चाहूँगा, यदि कोई ये मानता हो कि ये दवा है तो ये दवा नहीं है, और यदि कोई ये कहता है कि जी सर गारंटी लेते हो, तो मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि भगवान नहीं हूँ मैं, भगवान का बनाया हुआ इंसान। बिल्कुल ठीक है। तो जब इंसान हूँ और एक डॉक्टर है हार्ट पेशेंट का, जब वो हार्ट का सर्जरी करता है, बाईपास सर्जरी करता है, 200 लाख रुपए लेता है, और फिर भी कहता है कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, ये तुम्हारा, हाँ बिल्कुल सिग्नेचर कराता है, पेशेंट मरेगा तुम्हारा मरेगा मेरा कुछ नहीं, बिल्कुल, और मुझे 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जो उसकी डिमांड होती है उसे देना पड़ता है। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं सब कुछ ईश्वर पे डिपेंड है, इसलिए हमें ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, और जो हम प्रोडक्ट खा रहे हैं इसके प्रति हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। हाँ, तो जरूर ये फायदा करता है, और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें इस प्रोडक्ट पे भरोसा करना चाहिए, उन्हें एक बार इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ तक जो भी रिजल्ट आया अभी वो 100% शेयर करना चाहिए, सही आया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। जैसा कि आपने बताया और आप लोगों ने देखा कि नीली तेलम के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि एक हमारे पर्सन थे और उनके बाल नहीं हो रहे थे या फिर बाल उड़ चुके थे, तो उनके दोबारा बाल जनरेट हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।